हेलो दोस्तों, सुनीता के ख्याली पुलाव किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी छत्तीसगढ़ की फेमस गुड़ और तेल के लड्डू। इस तेल को हम स्पेशल तरीके से भूनेंगे जिससे इसमें एकदम सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी और ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैन चढ़ाएँगे। फ्लेम को इस समय मैंने लो रखा है। लो फ्लेम में हम 1/4 कप जितना मूँगफली के दाने डालेंगे और इसको रोस्ट कर लेंगे धीरे धीरे से। जैसे हम मूंगफली के लड्डू बनाने के लिए मूंगफली को रोस्ट करते हैं वैसे ही रोस्ट कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मूंगफली रोस्ट हो गई है। तो मूंगफली को हम थोड़ी देर साइड में रखेंगे और जब हमें थोड़ा समय मिलेगा तो हम मूंगफली को छिलके उतार लेंगे और इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है तेल, ये अनपॉलिश्ड वाले हैं, आपके पास जो भी तेल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अनपॉलिश्ड तेल का आप इस्तेमाल करें। तेल को मैंने धो लिया था और स्ट्रेनर में डाल के उसका सारा पानी निकाल लिया था। 1 कप तेल है ये। तेल को हमें भूनना है तो तेल हल्का सा गीला होना चाहिए, मतलब कि पानी उसका निकल जाना चाहिए लेकिन इसमें नमी बरकरार रहना चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे से फूटेंगे। तो 1 से 2 मुट्ठी जितने हम तेल डालेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा ना डालें। मैंने यहाँ पर छोटा पैन का यूज़ किया है, आप कढ़ाई वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फ्लेम को इस समय मैंने मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम में हम इसे रोस्ट करेंगे। तो लगातार चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ना तो तेल जल भी सकते हैं। और थोड़ी देर में हम देखेंगे ये जो तेल है फूटने लगे हैं, ये देखिए पटपट पटपट करके आवाज़ आ रही है और ये उड़ रहे हैं। तो कढ़ाई में कर रहे हैं तो आप ढक्कन ढाँक भी सकते हैं थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा फूट रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे 1 बैच के तेल भून गए हैं, तो हम क्या करेंगे इसको प्लेट में निकाल लेंगे और वापस से पैन चढ़ा के हम जो बचे हुए तेल है उनको भी भून लेंगे। तो मैं आपको इसका साइज़ दिखाती हूँ, ये देखिए ये फूल के साइज़ में डबल हो गए हैं। तेल पहले बहुत ज़्यादा छोटे थे और एकदम गोल गोल फूल के हो गए हैं। इस तरीके से जब आप भून के तेल का लड्डू बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपने कभी नहीं ट्राई किया है तो ऐसे एक बार ट्राई कीजिएगा, तो आप बार बार ऐसे ही बनाएंगे। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, एकदम गोल गोल है और इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हमारे यहाँ पे तेल सारे भून गए हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें हरी इलायची को क्रश करके डालेंगे। तो मैंने 3 हरी इलायची को क्रश करके डाला है, साथ ही जो मूंगफली ली थी हमने भून के रेडी कर लिया था उसे भी डाल देंगे और थोड़ी देर हम इनको साइड में रखेंगे। वापस से मैंने पैन चढ़ा दिया है, इसमें 1 टीस्पून घी डाल देंगे और 3/4 कप हम डालेंगे गुड़। गुड़ को क्रश करके डालना है, गुड़ को आप क्रश नहीं करेंगे तो ये मेल्ट नहीं होगा जल्दी से और गुड़ जलने लगेगा। इस समय फ्लेम को लो ही रखना है और कंटिन्यूसली हम चलाते रहेंगे गुड़ को। गुड़ को हम लगातार चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसे बनने में सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगेगा। 1 कप तेल के लिए 3/4 कप गुड़ परफेक्ट रहेगा, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 कप भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ का कलर एकदम चेंज हो गया, इसमें झाग आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इसे चेक करेंगे। कटोरी में मैंने पानी ले लिया है और इसके कुछ ड्रॉप्स डाल के देखेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद हम चेक करेंगे। लगातार चलाते रहेंगे गुड़ को भी और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर गुड़ रेडी हुआ कि नहीं। ये देखिए ये खींच रहा है, मतलब कि ये रेडी नहीं है। तो फिर से हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे, वापस से हम कटोरी में पानी में डाल के देखेंगे। तो थोड़ी देर रुकेंगे, ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको बताती हूँ। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे, गुड़ को छोड़ेंगे तो जल भी सकता है। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, और ये टूट रहा है, मीन्स कि रेडी है। तो हम क्या करेंगे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जो हमने रेडी किया है तिल उसे डाल देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था जिससे कि क्या होगा नीचे से गुड़ जलेगा नहीं, गुड़ हमारा पक के रेडी है, इसीलिए मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम इस मिक्सचर को गुड़ के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे सभी तरफ से। और बस यहाँ पे मैंने गुड़ और तेल के मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो हम चलते हैं इसके लड्डू बनाने के लिए। मिक्सचर गर्म रहेगा तभी हमें इसके लड्डू बांधने हैं, नहीं तो फिर बाद में बंधेगा नहीं। तो 1 कटोरी में मैंने घी ले लिया है, हाथों को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे और एक पोर्शन लेंगे, जितना बड़ा साइज़ का आप लड्डू बनाना चाहते हैं उस हिसाब से, और ऐसे रोल करेंगे। बहुत ही ईजिली हो जाता है लड्डू। पहले थोड़ा सा हथेली से इसे
इकट्ठा कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसे राउंड शेप दीजिएगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि गुड़ का मिक्सचर हमारा अच्छा बना है तो लड्डू बनाने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इन लड्डू को बना के आप एयरटाइट कंटेनर में रख के एक महीने तक इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हॉस्टल में हैं तो आप उनको भी बना के दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगा और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। बहुत जल्द मकर संक्रांति भी आ रही है तो आप इस तिल के लड्डू को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।